वाह भाई, जरदा भी आया है। इनकी हरकतें देखें, ये देखें, बड़े भाई के इन साहब ने हाथ पकड़ लिए और ये उनके हाथ खाने की कोशिश कर रहे हैं। आयल को भूख लग रही है, वो कह रहे हैं मैं भाई का हाथ खाऊंगा। आजकल लिटरली मुझे इतनी भूख लगती है, इतनी शदीद भूख लगती है और मेरा वज़न इतना बढ़ता जा रहा है, उसके बावजूद मैं इतना खा पी रही हूँ डट के। और अभी मुझे भूख लग रही थी और घर में कुछ नहीं था खाने के अलावा। दोपहर में मैं खाना खा चुकी हूँ और अभी पता है मैं क्या कर रही हूँ? ये देखो अभी मैं पी रही हूँ दाल, क्योंकि मुझे लग रही है भूख। तो मैंने सोचा भूख का कोई तो हल निकालना चाहिए, वरना भूख के मारे जो है ना हालत टाइट हो जाएगी। तो मैं दाल पी रही थी। आप लोग ऐसा करते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताएं। क्या लाई ये क्या लेकर आई? क्या चोरी से रबड़ी रख दो अभी ली है? हाँ, आप लोगों ने? अच्छा, और क्या लाई? और क्या है? अम्मी आई हैं और अनार तो घर में भी है, देखो जरा अनार भी मिल रहा है। ये लो चावल, ये देखें, अम्मी आती हैं तो मज़े आ जाते हैं। हमारी अम्मा लाई हैं और अम्मी जब भी आती हैं कुछ ना कुछ लेकर आती हैं घर से पका हुआ। वीडियो बन रही है ना, व्लॉग बन रहा है। ये क्या है? अच्छा भाई, वाह भाई, जरदा भी आया है, पुलाव भी आया है और इसके अंदर क्या है? छोले चावल। वाह, मजे आ गए नायन, मजे आ गए आज तो। कैसा लग रहा है नायन? गिलासेस देखो कैसा लग रहा है। किस बात में छूट है? बिस्किट। अच्छा नहीं, बुरा नहीं खा रही, सॉरी, तेरे गुस्सा नहीं होते? नारियल के बिस्किट पे मेरी नज़र है। अच्छा मैं चेक कर लूँ कितने हैं इसके अंदर, चेक करें? 4 होते हैं। तो आप 1 तो दे ही सकते हैं ना मुझे, 1 तो शेयर करा ही सकते हैं। मामा को 1 नहीं शेयर करा सकते? अब देखना बेटा, मैं भी कोई चीज़ शेयर नहीं करूँगी। ले ले, पक्की बात है? तो फिर मैं तो 1 बोल रही हूँ, आप ही बोल लो 2 ले ले। मैं तो कह रही हूँ 3 आप ले लो, 1 मुझे दे दो। बोले सही है? देखो चॉकलेट भी तो दिए। ये देखो, अब इसमें से कुछ शेयर नहीं करा सकते मामा को, कंजूस आदमी। 2 चॉकलेट्स, ये देखो जरा कंजूसड़े। तो मुझे ये शेयर करा दो प्लीज़। कपकेक मैं नहीं खा, मुझे नहीं खाना कपकेक, आई डोंट लाइक कपकेक।
तो अम्मी लोग चले गए और अम्मी जो खाना लेकर आई थी मैं वो गर्म कर रही हूँ। कितना मज़ा आता है ना जब अम्माएँ आपके लिए कुछ बना के लेकर आती हैं। मेरी अम्मी का हमेशा का रूटीन है कि जब भी वो आती हैं तो वो कुछ ना कुछ जो है ना पूरा स्टॉक लेकर आती हैं, और वो मेरा 2-3 दिन चलता है, मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ। और अभी भी जो है अम्मी, अभी मैंने ना पुलाव गर्म किया जो अम्मी बीफ पुलाव लेकर आई हैं। और अम्मी लोगों का मसला ये है हमेशा का कि बहुत कम ऐसा होता है कि वो खा के जाते हैं, और आज भी खा कर नहीं गए। मैंने इतना बोला खा लें यार खा लें, पर नहीं, खाना ही नहीं है, बस बेटी को खिलाना है या भांजी को खिलाना है, क्योंकि मेरे मामू भी आए थे और बड़े वाले मामू ने जो है वो रबड़ी भी भिजवाई, क्योंकि मैं मीठा शौक से खाती हूँ और मेरे वो वाले मामू भी मीठा शौक से खाते हैं, और हम लोग जो है ना शौकीन है मीठा खाने के, खानदानी। हमारे यहाँ लोग चाय भी पी जाती है ना तो मीठी चाय पी जाती है, जो कि मैं खैर मीठी नहीं पीती, मैं बगैर चीनी की चाय पीती हूँ। तो अभी मैं खाऊंगी पुलाव, अभी मैं ये खाऊंगी और फिर उसके बाद रबड़ी खाऊंगी। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करूंगी, और पीछे हमेशा मेरी ट्रेन नज़र आ रही होती है, आगे आ जाती हूँ। तो आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करूंगी, फिर इंशाल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। और नेक्स्ट वाला व्लॉग जो है वो मैं डालूंगी शायद कल डाल दूँ, हाँ, क्योंकि मैं कोशिश कर रही हूँ कि डेली डाल लूँ। जब मैं व्लॉगिंग कर रही होती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि सेम डे डाल दूँ, ताकि फिर जो है मेरी जो कंसिस्टेंसी है ना वो बरकरार रहे। बीच में क्या होता है, एक दो दिन अगर गैप आ जाए ना तो फिर वो रूटीन जो है ना पूरा ख़राब हो जाता है। तो खैर एनीवेज, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन का बटन जो है वो प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।